हेलो एवरीवन, आज हम व्याकरण का पाठ एक करेंगे उपसर्ग। ये केवल क्लास के लिए नहीं है बेटा, आगे भी ये काम आएगा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय उसमें विशेष खासकर पूछे जाते हैं। आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, उस शब्द में आपसे मूल शब्द या उपसर्ग पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यानपूर्वक वो करना है। केवल क्लास में नहीं, आप उपसर्ग और प्रत्यय हम करेंगे। ये हमारे शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है कि शब्द निर्माण हम चार तरह से कर सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। जब भी हमें कोई नया शब्द बनाने की आवश्यकता पड़ती है तब हम इन चारों में से किसी एक की सहायता लेते हैं। हिंदी में जब भी कोई शब्द निर्माण होता है, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो इन चारों में से ही हम शब्द की संरचना करते, किसी एक की सहायता लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ दो करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में ये भी आएगा, आपके सिलेबस में समास भी आएगा। संधि आप पिछली कक्षा में कर चुके हो, या फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इन तीन को हम कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम उपसर्ग करेंगे, फिर हम प्रत्यय करेंगे। तो हमारा उपसर्ग शब्द निर्माण के अंदर, सबसे पहले उपसर्ग जो होता है हमारा, वो एक संयोग पद होता है। उपसर्ग का अर्थ संयोग पद, संयोग से बनते हैं। जैसे अब इसका संधि करें हम, उप धन सर्ग, ये जो है आप, हम इसको जमा का बोल देते हैं या प्लस का बोल देते हैं निशान, लेकिन इसको हम हिंदी में धन बोलते हैं। तो जब भी मैं धन बोलूं तो आप समझ जाना कि इनको अलग अलग करने के लिए उप धन सर्ग। उप का अर्थ सहायक, या यूं कहें से छोटा। सर्ग का अर्थ भाग, जो कि नाटक में भी लिया जाता है कि पहला भाग दूसरा भाग। तो इसका मिलाकर पूरा हो गया हमारा संयोग पद, तो इसको हम संयोग बोलेंगे। इस डायग्राम को, इस चित्र को मैं हटा देती हूं और अब हम केवल उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय करेंगे। अब उपसर्ग परिभाषा को परिभाषित हम यहीं से करेंगे, इसको देखकर ही, रटेंगे नहीं। अब उपसर्ग का अर्थ जाना हमने, क्या था शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या था, संयोग भाव या संयोग पद, ये इसका वो था। और संधि विच्छेद हमने कैसे किया था, उसको अलग अलग, उप धन सर्ग, इसका अर्थ ये हो गया था। अब ये देखिए उपसर्ग के यहां तक, इसको नोट कर लो, इसको मैं हटा देती हूँ, अब इसको मिटा देती हूँ। अब उपसर्ग देखिए, मेरा अभी पढ़े भी होंगे और मेरा प्रश्न है कि क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उपसर्ग केवल शब्द में विशेषता लाते हैं या उसमें केवल वो परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं या अर्थ परिवर्तन करते हैं, वास्तव में उपसर्ग होते क्या हैं। अगर इसका संयोग, और ये होते हैं उपसर्ग हमारे तीन तरह से, शब्द में हमारा तीन तरह से परिवर्तन लाते हैं। पहला, बदल देते हैं, फिर आपका अर्थ में विशेषता लाते हैं, अर्थ में विशेषता लाते हैं, और तीसरा आपका नया शब्द निर्माण करते हैं। क्या उपसर्ग भी शब्द होते हैं? नहीं, उपसर्ग हमारे शब्दांश होते हैं। इसका भी हम अब अलग अलग टुकड़ा करके देखें तो क्या हो जाएगा, शब्द धन अंश, यानी कि शब्द के अंश। ये जो हैं शब्द के जो अंश होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र मतलब जिस तरह से एक शब्द होता है, ये देखो सुंदर एक शब्द है हमारे पास, तो ये मूल शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें
कोई उपसर्ग नहीं है। इसका टुकड़ा करें नहीं होगा, इसका टुकड़ा करें, इसको अलग अलग करके देखो, देखो सु क्या हो जाएगा, नंदर, सुधन नंदर, तो इसका अर्थ नहीं निकला, इसका टुकड़ा हुआ ही नहीं, ये हमारे पास मूल शब्द है, तो इसका सुंदर का अर्थ है, यानी कि अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में कहें तो ब्यूटीफुल, तो यहां पर लेकिन इसका अर्थ नहीं होता। अब इसको अंश को लें, हम शब्दांश को लें, यहां पर उपसर्ग को ए आ गया, धन ए धन क्या बनेगा, ए ए सुंदर क्या बन गया, पहले वो सुंदर था अब क्या हो गया, ए सुंदर, पहले सुंदर था अब उसमें ए उपसर्ग यानी कि ये शब्दांश ए जुड़ा तो क्या बन गया, ए सुंदर। तो क्या कर दिया, पहला हमारा अर्थ बदल गया, पहले वो सुंदर में था अब नकारात्मक में चला गया, नेगेटिविटी आ गई उसके अंदर कि भी सुंदर नहीं है, पहले सुंदर था। अब इसी को देखो, इसमें अति और कर देते हैं, अति और यही रहेगा, अति धन सुंदर क्या बन जाएगा, अति अति सुंदर क्या आ गया, अर्थ में क्या कर दी, विशेषता, अर्थ में विशेषता ला दी, उसको बढ़ा दिया, सकारात्मकता, यानी कि और सुंदर हो गया, सुंदर था पहले, अति के बाद और भी सुंदर बन गया। तो अब शब्द निर्माण का देखिए, हमारे पास हार है, ठीक है, अगर धन प्लस हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन गया, आहार। तो आहार का क्या अर्थ होता है, भोजन का पर्याय, भोजन का पर्यायवाची, भोजन बन गया। अब इसी में अगर हम प्रति धन हार, हार हमारे पास एक मूल शब्द है, हार का अर्थ क्या है, हार का अर्थ क्या है हमारे पास, एक तो हमारा गले में पहनने वाला हार जो आभूषण होता है, नेकलेस जिसे हम बोलते हैं, दूसरा हार जाना किसी से, प्राज्य, ठीक है, पराजित हो जाना, तो प्रतिहार, प्रति हार, प्रतिहार का अर्थ क्या बन गया, अब यहाँ पे ये हो गया बदला लेना, बदला लेना, तो ये हमारा नया शब्द बना दिया उसने। अब देखो हमने क्या किया था कि उपसर्ग क्या करते हैं, बदल देते हैं क्या, अर्थ, ए धन सुंदर, ए सुंदर अर्थ बदल गया, पहले वो सुंदर था अब वो कुरूप हो गया, फिर अर्थ में क्या लाते हैं, विशेषता क्या ला दी उसने अर्थ में, अति धन सुंदर, अति सुंदर। उसके बाद आपके निर्माण, यहां पर आपका नए शब्द का निर्माण, तो किससे, हार शब्द से। अब इसी हार को हमारे पास मूल शब्द क्या है, हार, इसी में हार का अर्थ पर उपसर्ग जोड़ा हमने शब्दांश, पर हार का अर्थ क्या बन गया, वार करना, वार करना किसी पर, तो ये आपका निर्माण हो गया। तो हमारी परिभाषा क्या बन जाएगी, वे शब्दांश। एक बात ध्यान रखना बेटा, कई बार ये बोलते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर, आगे कहाँ, आगे अभी देखते हैं, ये उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए, सुंदर है, सुंदर आगे कहाँ, देखो मैं तो आगे का मतलब ये समझती हूँ, और हम शुरू से यही पढ़ते आए हैं कि भी एक हमारे अध्यापक ने हमें ये बोला है कि एक वाक्य लिखो, मोहन मोहन बाजार जाता है। अब मैं कहती हूं कि आगे लिखो, आगे का मतलब आप तो कह रहे हो ना कि आगे, आगे तो यहां जुड़ा, इसका मतलब आप यहां लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे ना, आगे का मतलब तो यही हुआ, मैं तो ये कहती हूं।
मोहन बाजार जाता है, और मैं अगर मेरा अध्यापक बोल रहा और मैं आगे बोलता है तो मैं तो यहां लिखूंगी वह वहां से, मैंने यहां लिखा आपके मुताबिक आगे सुंदर है, समझना बेटा क्या कहना चाह रही हूं। ए आगे यहां जुड़ना चाहिए धन, और मैंने यहां लिख दिया आपके अनुसार तो ये यहां आना चाहिए आगे नहीं। देखो इसके लिए कितने शब्द हैं, पूर्व शुरू प्रारंभ आदि पहले, एक नहीं पांच पांच शब्द हैं यहां पर, एक नहीं आपके पांच पांच शब्द हैं, तो वो आगे नहीं पहले पूर्व में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा समझ में आ गई होगी, फिर देख लो। वे शब्दांश, शब्दों के वे अंश, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में या पूर्व में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं या कोई चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, तो वो हमारा उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अभी इसको हम एक डायग्राम के अनुसार भी समझ सकते हैं, इसको हम एक चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि कैसे अर्थ में परिवर्तन होता है उपसर्ग से। तो देखिए बेटा, पहले इससे पहले भी हमने चित्र के माध्यम से समझा, अभी इसी रेखांक दूर से समझते हैं। ये देखो कि हमारे पास केवल मूल शब्द क्या है, एक क्या है देश, और इधर क्या है गुण। हमारे पास मूल शब्द एक है लेकिन अलग अलग, अगर इसमें अव उपसर्ग शब्दांश हमारा अव उपसर्ग जुड़ा तो अवगुण बन गया कि उसमें गुण गुण का अर्थ है क्या कि किसी में अच्छी क्वालिटीज होना, मेरिट्स होना, और इसमें अब यहां बन गया बदल दिया अवगुण, डीमेरिट्स आ गया। तो अब इसमें निर निर का अर्थ यहाँ पर निर्गुण, यानी कि बिना गुणों वाला जिसके अंदर वो नहीं विशेषता ला दी, ये कौन है किसके लिए होता है, ये ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये सगुण ये भी ईश्वर के लिए होता है, तो इसमें क्या आ जाता है ईश्वर में कि स जो गुणों से निर्मित है जिसमें गुण है। और इसी तरह यहाँ देखिए दूसरे रेखा चित्र में हमारे पास क्या है, देश शब्द है, उप बना तो उपदेश, यानी कि किसी को किसी तरह की अच्छी अच्छी बातें बताना उसमें, ठीक है उपदेश आ जाता है। सब इसमें सब में स्वदेश, तो इसके अंदर स्वदेश अपना देश। हमारे पास मूल शब्द एक है लेकिन अलग अलग जब उपसर्ग उसके अंदर जुड़ रहे हैं उसके पूर्व में तो वो अर्थ बदल रहे हैं। विदेश यानी कि दूसरा देश। तो जो उपसर्ग हमारे होते हैं वो हिंदी में हम पांच तरह के देखते हैं, एक हमारा संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत शब्द, संस्कृत के शब्द या इनको संस्कृत के अव्यय भी बोल देते हैं, ठीक है संस्कृत के अव्यय बोल देते हैं। तीसरा है हमारा हिंदी के उपसर्ग, चौथा है हमारा उर्दू के उपसर्ग, और पांचवा है हमारा
अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इसमें संस्कृत के इसमें मानते हैं कि 22 उपसर्ग हमारे, हिंदी के 13 माने जाते हैं और उर्दू के 19 माने जाते हैं, अंग्रेजी के भी 13 माने जाते हैं और ये भी बहुत ही कम जो है इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें अब ये देखना हमारे उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया, 5 में। संस्कृत के उपसर्ग हिंदी के उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द जो होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, ये 5 तरह के हमारे होते हैं। इनको अब हम अलग अलग करेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं। इसमें उपसर्ग में एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो टुकड़े का भावार्थ होता है, टुकड़े का भावार्थ होता है और जो अवगुण का, जो इसका मूल शब्द का अर्थ होता है, टुकड़े का भावार्थ और मूल शब्द का अर्थ वो आपस में समान होने चाहिए एक तरह से। उनका टुकड़े के, टुकड़े का भी अर्थ वो अपना अर्थ होता है। सबसे पहले हमें टुकड़ों का अर्थ याद करना होगा, तब हम उपसर्ग को समझ पाएंगे। तो इसमें गुण में जब आपका अंश उपसर्ग जुड़ा तो उसने क्या कर दिया, अर्थ ही बदल दिया, यहाँ विशेषता ला दी, यहाँ पे नए शब्द का निर्माण कर दिया। अब इनको हम आगे कल पढ़ेंगे अलग अलग करके।